आज से करीब 50 साल पहले समय था 1971 का। सेना में एक हैरान करने वाली खबर आग की तरह फैल गई थी। गिनती के दौरान पाया गया कि भारत के अलग अलग बॉर्डर से करीब 54 भारतीय जवान गायब थे। इनमें से करीब 30 तो थल सेना के थे और 24 जवान वायु सेना के थे। भारतीय सेना ने सर्च अभियान भी चलाया था मगर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। भारतीय सेना के 54 जवानों का यूं अचानक गायब हो जाना किसी खतरे से कम नहीं था। आखिर सवाल यह उठता है कि ये 54 जवान अचानक गायब कैसे हो गए थे? क्या इन्हें धरती ने निगल लिया था या फिर कहीं दूर आसमान की सैर में चले गए हो? दोस्तों, आप देख रहे हो यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। आज से करीब 50 साल पहले भयंकर सर्दियों का मौसम चल रहा था। तभी अचानक 3 दिसंबर 1971 की एक रात में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना की 11 स्टेशनों पर हवाई हमले बोल दिए थे। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि भारतीय सेना यह माजरा समझ नहीं पाई थी और फिर खतरे को भांप कर हमने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। महज 13 दिन में ही उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय एक रिकॉर्ड बन गया था जब करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडे को लहरा रहे थे। असल में यह संकेत सरेंडर के थे और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। असल में इस समय पाकिस्तान को बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह भारत को हरा देगा और बरसों से मिलती हार को वो जीत में बदलना चाह रहा था। मगर उसे पता नहीं था कि भारत के जवान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था और फिर पूरी पाकिस्तान ने आजाद होकर बांग्लादेश का रूप ले लिया था। 1971 से पहले पाकिस्तान दो अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। आज वाला पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और दूसरी तरफ भारत के पूर्वोत्तर में मौजूद इलाका पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान ने अपने ही भाग पूर्वी पाकिस्तान में जंग छेड़ दी थी और वह भी अपनी धरती से करीब 1600 किलोमीटर दूर। इस समय पाकिस्तान अपने ही मुल्क में बर्बरता पर उतर आया था। लाखों लोगों को मार दिया था और हजारों की संख्या में मां बहनों के साथ बलात्कार भी किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अचानक सेना को आदेश दे दिया था और फिर पूरी पाकिस्तान को आजाद कराने में लग गए थे। करीब 13 दिन बाद पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों को सरेंडर करवा लिया था और फिर शिमला समझौते के तहत उन्हें घर वापसी भी दे दी थी। इस दौरान पाकिस्तान ने भी करीब 600 युद्ध बंदियों को भारत को सौंपा था। मगर इस समय भी पाकिस्तान ने हमसे धोखा किया था। भारतीय सेना के करीब 54 जवान लापता थे। ना तो उनकी बॉडी मिली थी और ना ही वे युद्ध में शहीद हुए थे। जाहिर सी बात है, इसका मतलब भी साफ था कि ये लोग पाकिस्तान के कब्जे में थी। मगर पाकिस्तान हर बार नकारता रहा। बकायदा सरकार ने उन 54 लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी थी। साथ ही उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्हें शहीद का दर्जा भी दे दिया था। मगर हैरान करने वाला वाकया उस समय घटित हुआ था जब एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 में मेजर अशोक सूरी का खत पाकिस्तान से आया था। इस खत में उन्होंने अपने आप को जिंदा बताया था और सरकार ने उन्हें पहले से ही शहीद घोषित कर दिया था। मगर हमें लगा कि यह तो एक ही सैनिक की बात है और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान की अलग अलग जेलों से हमें सबूत मिलने लग गए थे। उन 54 लोगों में से करीब 13 लोगों के ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वे लोग पाकिस्तान में आज भी युद्ध बंदी की तरह जी रहे हैं। साल 1975 में कराची से एक पोस्ट कार्ड आया था। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में 20 भारतीय सैनिक अभी भी जिंदा है और यह सब पाकिस्तान के रेडियो और अखबारों ने भी इन खबरों की पुष्टि की थी। जवानों के परिवार वालों की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी गुहार लगाई थी मगर पाकिस्तान उनके इस दुख दर्द से कभी पिघला ही नहीं था। 1971 के ही एक जवान विंग कमांडर HS गिल का प्लेन
पाकिस्तान में जा गिरा था और फिर उन्हें पाकिस्तान में जिंदा पकड़ लिया था। वे अपने साथियों में हाई स्पीड के नाम से जाने जाते थे। पाकिस्तान के रेडियो ने उन्हें जिंदा पकड़ने की खबर भी जारी की थी, मगर आज 50 साल बीतने के बाद भी पता नहीं चल पाया है कि उनके साथ क्या हुआ था। इस दौरान सरकारें बदलती रही, मगर इन सैनिकों को हर बार की तरह भुला दिया जाता था। यह जो तस्वीर आप देख रहे हो, इसमें बुजुर्ग एलडी कोरा अपने गुमशुदा बेटे कैप्टन रविंदर कोरा की तस्वीर हाथ में लिए हुए बरसों से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। इन गुमशुदा सैनिकों की तलाश में परिजन दो बार पाकिस्तान भी गए थे। वहां की जेलों को देखकर उन्हें निराशी वापस लौटना पड़ा था। सबसे बड़ा सबूत उस समय मिला था जब पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। असल में जेल लाहौर की कोट लखपत जेल थी। जुल्फिकार भुट्टो जिस बैरक में कैद थे, रात होने पर उनकी पास की बैरकों में से अजीब तरह की आवाजें आती थी। ऐसा लग रहा था कि उन कैदियों पर बे इंतहा जुल्म ढाई जा रहे हो। उन्हें रात भर जानवरों की तरह पीटा जाता था। ये आवाजें जुल्फिकार भुट्टो आसानी से महसूस कर रहे थे। जब भुट्टो के वकील को ये बात बताई गई, तब वकील भी जानकर हैरान रह गया था। जेल वार्डन ने वकील को बताया कि 1971 के युद्ध के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदी है जिनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। और जब धीरे धीरे ये खबर बाहर आने लगी तो भारत के साथ ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रति नफरत का माहौल बन गया था। मगर हर बार पाकिस्तान उन कैदियों के बारे में नकारता ही रहा था। समय बदलता गया। 1989 में पाकिस्तान में भी सरकारें बदल गई थी और बेनजीर भुट्टो वहां की प्रधानमंत्री बन गई थी। और जब राजीव गांधी उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत के 54 युद्ध बंदी पाकिस्तान में कैद है। उस समय हमारे रिश्ते भी सुधरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि अब हमारे 54 सैनिक वापस लौटने वाले हैं। मगर समय ने कब पलटी मार दी थी पता ही नहीं चला। असल में वहां परवेज मुशर्रफ ने सत्ता संभाल ली थी। मुशर्रफ भुट्टो के बयान से पलट जाते हैं और कहा कि 1971 का कोई भी युद्ध बंदी हमारे पास नहीं है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि उन लोगों का क्या हुआ है, क्या 54 भारतीय युद्ध बंदी अभी भी जिंदा है। सरकार का जवाब था कि हम नहीं जानते, हमारा मानना है कि इन सभी की मौत हो गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान इन लोगों के कैद होने की बात हर बार इनकार करता आया है। 1971 युद्ध के दौरान इन जवानों की उम्र करीब 20 से लेकर 30 के आसपास रही होगी। अगर आज भी इनमें से कोई जिंदा होता है तो उनकी उम्र 70-80 के आसपास रही होगी। और जाहिर सी बात है, बे इंतहा जुल्म के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। यह एक तरह से पाकिस्तान की साजिश थी। उन्हें पता था कि अगर युद्ध बंदी पकड़े होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जवाब देना होगा। असल में जेनेवा कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो युद्ध और युद्ध बंदियों के नियम तय करता है, और इसी नियम के तहत युद्ध बंदी बनाए गए सैनिकों को 8 दिन के भीतर ही बिना मार काट किए उसे देश को वापस सौंपा जाता है। जैसा कि आपने अभिनंदन के बारे में देखा था कि कैसे 8 दिन के भीतर ही पाकिस्तान ने उसे वापस सौंप दिया था। साथियों, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।